नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत हम पढ़ रहे थे और प्रागैतिहासिक काल को हमने पहले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। आज हम अपना दूसरा चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड 2400 से 1700 ईसा पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2400 साल पहले की यह सभ्यता है और जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो उससे पहले तक भारत में सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक पीरियड को माना जाता था, वैदिक काल को माना जाता था। आप सभी लोगों को पता होगा वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी भारत में आर्यों के द्वारा, उसको जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी उसको माना जाता था भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। लेकिन जब डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस टाइम पे कुछ हमें टीले मिले खुदाई के समय में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसका जब परीक्षण किया गया, ठीक है, तो पता चला कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ना कि वैदिक काल है। ठीक है, ना कि वैदिक एज। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के बुक्स में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व भी दिया गया है टाइम पीरियड, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका निरीक्षण किया गया था। ठीक है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व भी इसका टाइम पीरियड कहीं कहीं मिलता है, जो कि सही भी है। तो जैसा आपको परीक्षा में मिले ऑप्शन वैसा आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, वन लाइनर, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज होने के कारण। सिंधु सभ्यता इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सभ्यता के प्रारंभिक स्थल हमें सिंधु नदी के आसपास मिले थे। कांस्ययुगीन सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांसा धातु सबसे पहले सिंधु वासियों ने प्रयोग किया था। कांसा धातु तांबा और टीन को मिलाकर प्रयोग किया गया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसे इसलिए कहा गया था क्योंकि सिंधु और गंगा के बीच स्थित थी हड़प्पा के अधिकांश क्षेत्र। ठीक है, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम बार भारत में नगरों का उदय इसी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, तो इसके 4-5 नाम हो गए जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में था, जिसका पश्चिमी भाग जो था वह सुतकोंडेओर या दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और पश्चिमी स्थल आलमगीरपुर या हिंडन नदी के तट मेरठ में उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसका उत्तरी स्थल मांडा या चिनाब नदी के तट पर, जो मांडा स्थल है जम्मू कश्मीर में, उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था। दक्षिणी स्थल यहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए उत्तर में यह जम्मू कश्मीर में मांडा तक फैला हुआ था, पूर्वी स्थल इसका आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सुतकोंडेओर, और दक्षिणी स्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को बड़े नगर कहा गया, 6 इसके बड़े नगर थे। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु का। सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों और घरों के विन्यास हेतु कौन सी विधि अपनाई गई, ग्रीक पद्धति। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम दिए गए हैं और वह किस नदियों के किनारे बसे हुए थे और उसका उन स्थलों की खोज किसने की, यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने
1922 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने और माधो स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर बसा हुआ था राजस्थान में। रंगपुर मादर नदी के तट पर बसा हुआ था गुजरात में। लोथल जो कि उस टाइम पर बंदरगाह भी था जो कि गुजरात में था। रंगनाथ राव भोगवा नदी के तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर था जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर था जो कि पंजाब में है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। और चन्हू दड़ों के बारे में बार बार पूछा जाता है जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था सिंध प्रांत में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और इतने स्थलों के बारे में तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है 1921 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने ही हड़प्पा की खोज की थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जहां से घरों में कुएं को अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तांबे का उपयोग किया था। हड़प्पा कालीन स्थल में किस धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी हड़प्पा कालीन स्थल से। लोहे का उपयोग मानव ने उत्तर वैदिक काल आते आते करना प्रारंभ किया। ठीक है, वैदिक काल में। तीन भागों में बटा हुआ हड़प्पा नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस राज्य में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और सिंधु कालीन जो जगह फैले हुए थे, ठीक है, सबसे उत्तरी भाग मांडा ही था। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है। हरियाणा में है। दैमाबाद किस राज्य में है। महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे दक्षिणी भाग था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था। लोथल, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे विशाल नगर हुआ करता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वह लोग पितृ शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, और वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, अनार्य सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण क्या था। मृदभांडों से इसकी पहचान हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी भाव चित्रात्मक थी, लेकिन इसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग हुआ था लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग के यहाँ के बर्तन बनते थे। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का सर्वाधिक प्रभावी कारण किसे माना गया है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, लेकिन सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र नगर जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे लोथल जो कि बंदरगाह था गुजरात में। एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के आवास भी किले से घिरा हुआ था कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। भाव चित्रात्मक। इसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। यह दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर से बाएं से दाएं लिखा जाता था, और इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और यह प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। ठीक है, हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था जो कि प्रागैतिहासिक काल है, जिसकी ना तो हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, ना ही जब मिले नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से।
और सिंधु घाटी की सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक में आता है, आद ऐतिहासिक काल में आता है, जिसमें हमको साक्ष्य मिले हैं, लिखा हुआ मिला है, लेकिन अभी हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो हम जानेंगे वैदिक पीरियड में हमको साक्ष्य भी मिले हैं और हमने उसको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है, इसीलिए वह हिस्टोरिक पीरियड में आएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में पूजनीय पशु कौन था? कुबड़ वाला सांड। युग्म समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? युग्म समाधियाँ लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। युग्म समाधियाँ मतलब दो लोगों को एक ही साथ दफनाया गया, ऐसा कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। भारत की बात हो रही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर सूतकोदड़ा और लोथल में थे। सूतकोदड़ा से घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है, और यह यूपीएससी प्री के एग्जाम में पूछ लिया गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी जस्ट सूतकोदड़ा नामक जगह से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, तो यह लेटेस्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? कांस्य युग में, क्योंकि ये लोग कांसे का उपयोग करना जान गए थे, ठीक है। तांबे और टीन को मिला करके कांसे का प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है, इसीलिए इसे कांस्य युग युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के मूल निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है स्वास्तिक चिन्ह। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था, वह स्थान है रोपड़। सर्वाधिक संख्या में मोहरे किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। कुछ वस्तुएं हैं जो प्रमुख देशों से आयात की जाती थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन भी कुछ सभ्यताएं चल रही थी विश्व में और उनसे आयात किया जा रहा था कुछ सामानों को जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि टीन का आयात किया जा रहा था अफगानिस्तान और ईरान से। ईरान को उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जा रहा था, ठीक है। चांदी का आयात किया जा रहा था अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द की मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। सीसा राजस्थान अफगानिस्तान और ईरान से। सोने का आयात किया जा रहा था अफगानिस्तान दक्षिण भारत से। तांबे का आयात क्षेत्रीय और बलूचिस्तान से किया जा रहा था। तो यह सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है? जॉन मार्शल ने स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और रंगपुर से। किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? सूतकोदड़ा से, जो कि गुजरात में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किसका अंकन मिलता है? स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है, और यह कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यह बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में कितने प्रकार के पशु का अंकन है? 5, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन नगर में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? धौलावीरा। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। भारत ही ऐसा देश है, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कपास की खेती करना प्रारंभ किए थे, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध वृषभ मृदा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? मिस्र की सभ्यता। और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता होती थी, ठीक है। तो लेखन कला को विकसित किसने किया था? उचित प्रणाली सुमेरिया की सभ्यता ने। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन
इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं आपके लिए, जो कि एसएससी सीजीएल और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग तैयार कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए सभी को जिससे हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।